नमस्कार दोस्तों, आ गया है आपका दोस्त मदनलाल सुतार, जिसमें हम आज कक्षा 10 के साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन शब्द से तात्पर्य है टूटना। क्या टूटेगा इसमें हम परिभाषा लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यह संयोजन की विपरीत है। कैसे? संयोजन में हमने देखा था जिसमें दो अभिकर्मक, दो या दो से अधिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वह थी संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल, पहले हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, जल। जैसे जल है H2O, इसका निर्माण कैसे हो गया? यह एक एकल अभिकर्मक है, या दो से अधिक उत्पाद कैसे बनाते हैं? जैसे हाइड्रोजन और जल में विघटित हो जाता है, यानी यह टूट जाता है। फिर और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे MgO किस में टूटता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और उदाहरण देखते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे साधारण रूप में बोलते हैं इसे चूना पत्थर। इस पर ऊष्मा देने पर किस में यह विघटित हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जैसे एक और अभिक्रिया देखते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, यह होता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जैसे इसका विघटन किस में होता है? CaO और जल के रूप में यह विघटित हो जाता है, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और उदाहरण के रूप में देखते हैं जैसे सिल्वर ब्रोमाइड HgBr का विघटन किस में होता है? Hg सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। जैसे हम यह समीकरण देखते हैं संतुलित है या नहीं, वही यह कैसी समीकरण है? यह समीकरण है कंकाली। इसको संतुलित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करती है वह विधि कौन सी है? उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। जैसे यहां पर लिखेंगे हम तत्व, यहां पर लिखेंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में संख्या कितनी है, यहां पर लिखेंगे RHS, यहां पर Hg, यहां पर Br। जैसे यहां पर संख्या एक, यहां पर संख्या एक, यहां पर Hg की संख्या है एक, यहां पर ब्रोमाइड की संख्या दो, तो हम सभी संख्या को समान करेंगे। यहां पर ब्रोमाइड की संख्या दो, तो यहां पर है एक, इसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या परिवर्तन आ गया? जो परिवर्तन करना है वो समीकरण के शुरू में परिवर्तित करना है, टू आ गया। तो यह हम देखेंगे, यहाँ Hg की संख्या है दो, यहाँ Hg की संख्या है एक, तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? दो से, तो यहाँ संख्या कितनी होगी? टू Hg। तो अब संतुलित
समीकरण किस प्रकार होगी हमारी, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस तीर का निशान 2Ag प्लस Br2, यह हमारी होगी संतुलित समीकरण। अगर इस समीकरण का उपयोग पूछ ले HgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वियोंजन अभिक्रिया। वियोंजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे हम जल को विघटन किया तो जल का विघटन किस में हो गया, ये दो उत्पाद बन गए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर हमने देखा मैग्नीशियम, जैसे MgO। फिर हम इसको भी संतुलित करें तो यह संतुलित किस प्रकार होगी, यहाँ पर देखते ऑक्सीजन की संख्या दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और 2Mg यहाँ पर लगा देंगे, यह अभिक्रिया संतुलित होगी। तो इसमें टूटता है, जैसे हमने कल संयोजन अभिक्रिया पढ़ी उसमें होता है जुड़ना। तो अब हम तुलनात्मक रूप से यदि बात करें संयोजन और वियोंजन, संयोजन में क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करती है। और वियोंजन में जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वह हो गई वियोंजन। अब हम दोनों की एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम इसको डिफरेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किसका निर्माण हो गया, जल का। और इसमें हम देखेंगे वियोंजन में H2O है, जैसे यह किस में विघटित हो गया, हाइड्रोजन और जल में। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके अंदर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का विघटन किस में हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हो गया। आज हमने पढ़ी संयोजन वियोंजन अभिक्रिया, वियोंजन अभिक्रिया पढ़ी और संयोजन और वियोंजन में हमने तुलना की। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।